साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार के शिक्षकों की उपस्थिति अब ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से बनाई जा रही है, लेकिन अभी भी इस ऐप में कुछ न कुछ खामियां हैं और इसमें अनवरत सुधार किया जा रहा है। आए दिन अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ इसमें देखी जा रही है। बहुत सारे शिक्षक उपस्थिति अभी भी समय पर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि आने वाले समय में यदि आप निर्धारित समय पर स्कूल इन और स्कूल आउट नहीं हो पाते हैं तो उस अनुसार से जो समय की कटौती होगी उस आधार पर आपको पनिशमेंट मिलेगी। अर्थात एक घंटे दो घंटे विलम्ब पे क्या समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती है और यदि बार बार विलंब करते हैं तो उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ दिन पहले ही गाइडलाइन जारी हो चुकी है, उसमें ढेर सारी बातें अनेक पॉइंट के साथ लिखा गया है। इस पत्र के द्वारा हम लोग, यानी कि वह जो पत्र जारी हुआ था तो उस पर हम लोगों ने अच्छी तरह से बात भी किए थे और उस वीडियो में लगभग 10 पॉइंट पर चर्चा की गई थी। यदि आप उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप उसे देख करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से कम समय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने के लिए उपस्थित है जो आए दिन देखने को मिलता है। कभी कभी ऐप के माध्यम से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि जो ऐप है जब आप उसे टच करेंगे आपका फोटो जो उपस्थिति है उसमें आ जाने के बाद वह अंततः सेव नहीं हो पा रहा है। आज के दिन की यह समस्या हुई। उसके बाद फिर लोगों के द्वारा ऐसी जानकारी दी गई, सूचना दी गई विभाग के द्वारा, जो कि जो नज़दीकी विभाग है या तो किन्हीं शिक्षकों के द्वारा यह भी बातें बताई गई, जो मैंने सोचा आप तक भी इसकी जानकारी पहुँचा दिया जाए। नेट ऑन होने के बावजूद भी वह सेव नहीं हो पा रहा है। अंततः ऐसी बातें निकली कि नेट ऑफ कीजिए, उसके बाद आप उपस्थिति दर्ज कीजिए, उसके बाद नेट को ऑन करने के बाद वह सिंक हो जाएगा, यानी कि आपका सेव हो जाएगा। और रियली में जब नेट ऑफ किया गया, उसके बाद उपस्थिति दर्ज की फ़ोटो लिया गया और अंततः जब उसे फाइनल किया गया तो उपस्थिति दर्ज हो गई। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ भी आ रही हो तो निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति विलंब से बनेगी। तो उस स्थिति में आप इसको दिमाग में ज़रूर इस बात को रखेंगे कि नेट को ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद उपस्थिति का जो प्रोसेस है ऐप की सहायता से, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो बनाई जा रही है, तो उस स्थिति में नेट ऑफ़ कर देंगे, यानी कि नेट बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो प्रक्रियाएं हैं ई शिक्षा कोष से अटेंडेंस बनाने की उसको पूरा करेंगे तो आपका अटेंडेंस रियली में बन जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उसका किस प्रकार से समाधान किया जाएगा वह धीरे धीरे हम लोगों को अंततः बाद में पता चलेगा। बस आज के वीडियो में इतनी ही छोटी सी बात आप तक पहुँचाने के लिए मैं आया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।